Blaze up the warp, light it up to the beat. Come on, turn up. Give it to me, turn up. Give it to me, turn up. Gorgeous with attitude, in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. Work. Just smoke a high, turn up. Just smoke a high, turn up. Show her the freedom. नमस्कार, मैं पल्लवी गिरी आपके शहर सिवान से हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई भी करना चाहे, लड़का हो या लड़की, जैसे आपने देखा कि एक मैम भी आई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सिवान में मैरिड लोग भी आया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई भी कर सकता है, अपनी टैलेंट दिखा सकता है, लाइक मॉडलिंग ही नहीं, डांसिंग में हर एक क्षेत्र में जा सकता है।
तो मॉडलिंग इसलिए मैं करा रही हूँ कि ताकि सीवान में जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है हुनर होते हुए भी, उन बच्चों के लिए है ताकि वो लोग सीवान से बाहर जाएं। सीवान एक छोटा शहर और वैसे में फैशन को लेकर जो परिवार वाले होते हैं उनके मतलब तो मानसिकता कुछ और होती है, ऐसे में जो बच्चे हैं वो कैसे आएंगे? देखिए मैं भी सीवान से ही हूँ और मैंने भी बहुत फेस किया है इस चीज़ को लेके, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें हटाना चाहती हूँ। ये शो मैं बाहर भी करवा सकती थी, इसलिए सीवान में करवा रही हूँ कि ताकि उनकी सोच चेंज होए और जो भी करना चाहे, जिनका जो भी सपना है वो पूरा कर सके। मुझे नहीं मतलब बिलीव था कि यहाँ सीवान में भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जितना डेवलप कर रहा है सीवान, इससे लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में काफ़ी डेवलप करेगा और इस प्लेटफॉर्म को भी अच्छा। आपका एम क्या है? मेरा है एक्टिंग करना, एक्टर बनना। श्वेतांजलि द्विवेदी। बहुत अच्छा लगा, ये बिलीव नहीं था कि यहाँ सीवान में इतने छोटे जगह पे इतना अच्छा कुछ हो, और लगता है कि हाँ फ्यूचर ब्राइट होने वाला है सीवान का भी इसके साथ। आई थिंक हाँ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे टैलेंट हैं जो छुपे हुए हैं, उन लोगों को दिखाने का शो करने का थोड़ा मौका मिलना चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी है ऐसा कुछ करना। और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं पल्लवी दी के, पल्लवी गिरी जो ऑर्गेनाइज़र हैं। नहीं बचपन से ही है, जब मैं छोटी थी तो मॉडलिंग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस और रैंप वॉक करना, उनका वॉकिंग करना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन से ये चीज़ लगता था कि नहीं मुझे भी करना चाहिए ये। क्या जी, मैं लक्ष्मीपुर से हूँ, मेरा नाम श्वेतांजलि द्विवेदी है। पहली बार आयोजन इसका हुआ है, इसके लिए हमारे जजेस को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं बताऊँ तो शुरू से ही मैं ग्लैमर वर्ल्ड में जाना चाहती, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई। एंड सबसे पहले मेरा मेन एम था, है भी, मैं सिंगर बनूँ। इसके लिए मैंने ऑडिशन भी फेस किया इंडियन आइडल का कोलकाता जाकर, मैंने वहाँ देखा बहुत सारे क्राउड, और उस क्राउड में से अब उसके बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, 13 या 14 स्टेट्स में उसके ऑडिशंस होते हैं, तो उस भीड़ में से, लाखों भीड़ में से निकल के आना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके लिए इसके काबिल हूँ तो क्यों ना मैं ये ट्राई करके बॉलीवुड तक पहुँचूँ, तो खुद का भी कॉन्सर्ट क्रिएट कर सकती हूँ, तो वो ईजी होगा मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ और वो वहाँ से सिंगर बनना और इजी हो जाएगा मेरे लिए, जैसे कि मैंने बताया कि वो 13 स्टेट्स का क्राउड फेस करना, उसमें से 12 या 13 सेलेक्ट होते, तो मुझे ये आसान लगा कि मैं मॉडलिंग भी शुरू करूँ। ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम ये सिवान से या फिर कोई भी आउट वो गांव एरिया से, तो हमें उतनी पहुंच नहीं हो पाती, वहाँ तक हम नहीं जा पाते, या फिर हमारे पेरेंट्स नहीं भेज नहीं सोचते, उन्हें नहीं लगता कि वो अपने बच्चे को बाहर भेज रहा है और वो सेफ हो, वो चाहते तो हैं भेजना पर उन्हें सेफ नहीं लगता, तो इसके वजह से बहुत लोग अपने वहीं पे रह जाते हैं, उनका टैलेंट निखर के बाहर भी नहीं आ पाता है, तो मुझे लगता है इसका हमेशा इस तरह का हमेशा होना चाहिए। श्रुति चौरसिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इवन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो भी इसके मतलब ऑर्गेनाइज़र पल्लवी गिरी हैं और जितने भी लोग इस चीज़ में उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ मतलब ऑर्गेनाइज़ किया सीवान के लेवल पे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक मतलब ऐसा नहीं है कि हम वेट करें कि हाँ ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़ करे तब हम उसमें पार्टिसिपेट करें, हम इनिशिएटिव भी बन सकते हैं, हम लीडर भी बन सकते हैं, तो वो सब जो है मतलब वो पल्लवी गिरी के अंदर है और उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टेज दिया जहाँ हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसे शो कर सकें। क्या इससे पहले भी आपने कभी मॉडलिंग में हिस्सा लिया था? नहीं, इसके पहले मैंने मॉडलिंग में कभी मतलब मॉडलिंग के किसी ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, मैंने डांसिंग के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए और मुझे बहुत अच्छी फील हो रही है, क्योंकि ऐसा पल्लवी जी ने मेरे को बोला कि तुम कर सकती हो ऐसा, तुम एक बार ट्राई करो, तो मैं इसके लिए भी उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा करेज दिया कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकूँ और मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका भी श्रेय जाता है इसमें। अनामिका सिंह। तो शर्मा फ्रॉम पटना बिहार, आई एम अ फैशन कोरियोग्राफर फ्रॉम बिहार।
आई हैव ज्वाइन द मिस्टर बिहार ड्यूड एंड मिस बिहार दिवा एज अ फैशन कोरियोग्राफर पल्लवी इज इन्वाइटेड मी फॉर हेयर ओके सो व्हाट यू वांट आज आप जज के रूप में यहाँ पे हैं जी मॉडल्स में वैसे में जो सिवान के लोग हैं उनके जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो फैशन डिजाइनिंग होती है और मॉडल होते हैं उसको लेकर उनकी मानसिकता अलग होती है जी वैसे में क्या लगता है सिवान में इस तरह का आयोजन कराने से कुछ सफल होता है वेल एक्चुअली सिवान में ये आयोजन इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि यहाँ के लोग जो ऑडियंस है जिन जो माता पिता है जो पेरेंट्स हैं इनके वो देखें एक्चुअली शो में क्या होता है लाइक मॉडलिंग किस लेवल का होता है यहाँ पे और मॉडलिंग से क्या फ़ायदा है इसमें क्या कैरियर बन सकता है क्योंकि देखिए पल्लवी भी सिवान से है और वो अच्छा कर रही है इस क्षेत्र में तो जो अलग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं बस पेरेंट्स उनको नहीं आने देते हैं मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस आप इस चीज़ को एक बार समझिए इसको फील कीजिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए आज किस तरह का शो किया गया यहाँ पे अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनका एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया नेक्स्ट प्रोसेस इनका एक मेगा ऑडिशन होगा लाइक जितने भी कैंडिडेट थे सारे मैक्सिमम फ्रेशर थे यहाँ पे तो उनका एक मेगा ऑडिशन किया जाएगा मेगा ऑडिशन में हम उनको एक दिन का ग्रूमिंग क्लास देंगे जिसमें उनको बताया जाएगा रैंप पे कैसे वॉक करते हैं क्या एक्सप्रेशन होता है जो थीम है हमारा उसके बारे में देन हम उनको सेलेक्ट करके फिनाले में ले जाएंगे 15 लड़के 15 लड़कियाँ कहाँ कहाँ के बच्चे अभी यहाँ तो फिलहाल सिवान में ये पहला ऑडिशन हुआ है इस शो का देन आफ्टर हम लोग पटना में ऑडिशन लेंगे गया ऑडिशन लेंगे मुजफ्फरपुर भागलपुर एंड बिहार शरीफ नवादा पूरे बिहार से 15 लड़के जी हाँ पूरे बिहार से एक्चुअली बिहार का टाइटल है तो हम लोग मिस्टर बिहार डूड एंड मिस बिहार दिवा सिवान से हम लोग 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे इसके बाद फिर दोबारा ऐसा शो सिवान में कराएंगे जी फिर इसके बाद ऐसा शो सिवान में होगा हाँ अगर ये शो सक्सेसफुल हुआ देन हम लोग देखिए ये शो को सिर्फ करवाना हमारा थीम नहीं है हमारा शो करवाने के बाद हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे ये हमारा मकसद है कि शो तो बहुत सारे होते हैं बिहार में लेकिन हमारा जो थीम है कि हम शो करवाने के बाद क्या दे रहे हैं जो हमारे विनर्स हैं उनको क्या दे रहे हैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने कैरियर को जिनका एक्टिंग में है उनको एक्टिंग वाला प्लेटफॉर्म जिनका सिंगिंग में उनको सिंगिंग का प्लेटफॉर्म जिनका डांसिंग है उनको डांसिंग का प्लेटफॉर्म अभी मैं इसके अलावा अभी हम लोगों ने फिलहाल तो यही सोच सकता है अगर देखते हैं अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आगे हम अच्छा कुछ करेंगे